आन जो है ना आ गया। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है आन? हम आ गए हैं यहाँ पे, चिड़िया खा रहे हैं। आप भूखी रही है बेचारी, भूखी रही है बेचारी। एडा वड्डा मुंह एवं निकल आया। न्यू ब्रांड व्लॉग आ गया जी। एक रेस्टोरेंट खोला है तो प्यार दिखाना है आप सबने। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। और आज जो है ना घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं, आने वाले के हैं, मैं उनको जाके पिक करने वाला हूँ। तो अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता करना है। नाश्ते में है दलिया और केले। केले खराब हो रहे थे तो मैंने कहा यार खा लो जल्दी जल्दी, खराब हो जाएंगे कल तक ना। तो मैंने कहा चलो जी सीख दो। और ये जो है ना ये टूट गया यार आमना का, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से मिलेगा। ओए होए होए, ये अगर ना मिला ना तो बड़े काम रुक जाने आमना के। तो ये भी साथ लेके चलते हैं, देखते हैं नया मिलेगा कि रिपेयर होगा कि नया खर्चा पड़ गया, नई मशीन लेनी पड़ जानी है। तो बस चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं फिर मेहमान को पिक करके लेके आते हैं और इसका भी कोई तीर पंजा करते हैं, नया मिलता है क्या होता है इसका। चलो फिर नाश्ता करने पहले जल्दी जल्दी। ये देखें बिस्किट्स का इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं ना बाहर था काम से तो मुझे आमना कॉल करती है कि ना मुझे ना केक रस हो रही है ना, डिफरेंट बिस्किट चाहिए। तो मैं परेशान, मैं कह यार घर में तो इतने बिस्किट पड़े हुए हैं, मैं मुझे लगा कोई आ रहा है मेहमान। तो बाद में जब घर लेके आया हूँ तो इन्हें जारा ही पा देता, अमीरों के चौंचले। अच्छा से अच्छा लगता है वाकई। ये मुझे ना मुझे खुद बड़ा अच्छा आइडिया लगा, लेकिन जार आमना फैंसी होने चाहिए थे यार। ये भी सिंपल ले आई हो, फैंसी जार होने चाहिए ना। फिर चाय के साथ बंदा ऐसे चाय पी रहा हो ना, फिर ये जालिम साथ खड़े हो ना, तो फिर बंदा जबरदस्ती खाने पड़ जाते हैं। मैं देखो जितनी मैं डाइटिंग करता हूँ ना, उन्ना ही आमना मेनु जेड़ा ना। ओए होए होए होए, इधर ही ऐसे मैं तो मिठे चौलों से छोरा पा के भी खा जाना वा। उनको कहेगा जी देखो जी प्लेट के ऊपर ही रख दिया, अभी नाश्ता किया भाई, नाल ही करो भी हो जान तो मज़ा आ जाएगा। अच्छे अच्छे लगते हैं मुझे तो, मुझे भी आपना सही लगना लग गया, सही लगता है अब, दिल खुश होता है बंदे का। तो मैं परेशान हो गया, मैं कहा यार ये मंगवा क्यों रही है, इतना बिस्किट घर में पड़ा हुआ है तो ये फिर मंगवा रही है। अरे अब चाय पीते हैं और निकलते हैं और जाके ना मेहमान को पिक करके लेके आते हैं यार। ब्रेकफास्ट जो है ना वो कर लिया है तो अब चलते हैं जाके मेहमान को पिक करके लेके आते हैं। तो उससे पहले आमना का ये जो काम है ना ये भी करते हैं। आमना सही हो जाएगा, वो कह रहे नया मिल जाएगा, ये ठीक हो जाएगा नया मिल जाएगा। हाँ क्योंकि मुझे बच्चों के लिए पैटी बनानी, इसके इसके बगैर ना कुकिंग काम है आमना की, कीमा नहीं बन सकता। या हैंड वाली भी ले लो ना, मैनुअल भी होनी चाहिए। चलो फिर चलते हैं, मैं पहले देखता हूँ क्या क्या करते हैं आज। तो किस मेहमान को पिक करने आया हूँ, तो मेहमान जो है ना आ गया। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है आनंद? ठीक ठाक हो? और ये देखो ये दोनों मामू, राइट हैंड राइट हैंड, ये अहमद भी आ गया। अहमद अस्सलामुअलैकुम। हम मामू के घर जा रहे हैं। तो अनम सिस्टर जो है ना हमारे घर रहने आ रही है, और घर में ना पेंट शेड हो रहे हैं इसीलिए जो है ना बच्चे भी नहीं, मैं इधर आ रहे ना भाभी ना। पिछले दो महीने से मेरा जब से वेकेशन चल रहे हैं ना, ये लोग इंतजार कर रहे हैं ना कब आएगी कब आएगी कब आएगी। आज मैं क्या मैं चलती हूँ क्योंकि घर के काम तो खत्म होने ही नहीं है। तो मैंने कहा था चलो आज चलो हमारे साथ आज ना, तो मैंने कहा चलो पिक करते हैं अनम को, क्योंकि वो सफर थोड़ा लंबा था ना। तो मैंने कहा था हाफ वे आ जाओ घर पे, मैं यहाँ से पिक कर लूंगा। चलो भाई चलो फिर चले, तो देख चीजें बहुत ज्यादा है, जो कहेगा ना तुझे खिलाऊंगा। ठीक है यार, ये तो देखना, ये अपनी मस्ती में होता है। चलो जी आजो आजो आजो। तो ये देखे जी अनम सिस्टर जो है ना आ चुकी हैं, तो आजो जी लिफ्ट में बिस्मिल्लाह पढ़ लो। तो चलो जी दबा दो बटन। उमर रह गया था ना लिफ्ट में लास्ट टाइम? हाँ, नहीं लिफ्ट में नहीं रह गया था, वो लिफ्ट खुली ना तो लिफ्ट का दरवाजा खुला, तब आपके दरवाजा खुला कमरे फ्लैट का, लिफ्ट का दरवाजा खुला ही अंदर आ गया और दरवाजा बंद हो गया। अच्छा अहमद बाहर खड़ा हुआ था, अहमद ने रोना शुरू कर दिया। सब ना उसका हाथ पकड़ के उसको लेके आया भाई को, मुझे मेरा नहीं हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा था ना। तो चलो बस चलते हैं ऊपर। चले जी अंदर चलते हैं। और ये देखो अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें जी अनम सिस्टर आ गई हैं। हम आ गए हैं। चलो आप तो अनम सिस्टर बड़े अच्छे बहुत इंतजार कराया है ना, भाभी को बहुत इंतजार कराया। हम लोग गर्मी की छुट्टियों में कह रहे थे, लेकिन अनम के पास टाइम नहीं। अब्दुल्ला
किचन आया मिल गया भाई को दाल है। देखो सबसे मिलता है ये मामी। तो चलो खाना पक गया ना हमने ये क्या भुजिया चिकन ही क्या ये चिकन है ये क्या सवैया पका रही हो ये क्या है ओए होए और ये क्या है कुछ भी नहीं है वो मशीन खराब हो गई है ना जिसकी वजह से आमना का काम रुक गया वो कीमा नहीं बन सका ना अच्छा मशीन सही हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जी सेल लग गई है खिलौनों की। ये किसके खिलौने हैं सारे आयत के हैं ओए होए इतने खिलौने यार बच्चे इतने खुश हो रहे हैं ना खेल के सारे टॉयज हाँ। वे खाने का टाइम हो गया ना खाना ले आए फिर कहाँ पे खाना है इधर ही खा ले हाँ इधर बिछा के ना हाँ वो ठंडा है ना रूम ठंडा है वो बाहर फिर ठंडा करना पड़ जाना सब कुछ। और ये देखो हाँ उमर इंजॉय कर रहा है बताए ना हांजी कर रहे हैं कर रहे हैं एंजॉय ये देखो सारे खिलौने खुश हुई है ना। और ये देखो ये काका भी ना खुश हुआ हुआ है मेरे पास आ रहा है ये देखो काका दिल पर जानी है ये भी छोड़। तो ये रही बिरयानी जो आमना ने बनाई है होम मेड मसालों के साथ और बच्चे यहाँ पे चिड़िया खा रहे हैं। और क्या है आमना आज ये है रेड बिरयानी रेड बिरयानी डिफरेंट बिरयानी ये चॉकलेट खा रहे हैं बच्चे बस ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। और ये क्या है ओए होए ये क्या है चौमिन और ये क्या है ओए होए नहीं तरह ओए भाई साहब अटैक हो गया अटैक कर देता है ये दुल्ला अटैक कर देता है हर चीज पे वो कहता है बस द्वार बंद कर दो आए द्वार बंद कर दे देखना बात मानती है मेरी हर जात मानती है। चले अलम सिस्टर शुरू हो जाए चले बिस्मिल्लाह पढ़े ठीक है आमना चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ो जी बिस्मिल्लाह पढ़ो। खाना वगैरह जो है ना वो खा लिया था तो अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं कुछ काम करने क्या सामान लेने जाना है मैंने तो आमना मुझे बता दो क्या क्या चाहिए यार जल्दी जल्दी बता दो चाहिए कलर चाहिए और अच्छा। साथ में मुरब्बे चाहिए और चमचम चाहिए और साथ में खोया चाहिए ठीक है चलो ठीक है तो जाके ना लेके आते हैं फिर ठीक है और बता दो फिर एक बार बता दो बार बार यार फिर बार बार कहती हूँ ये ले आओ वो ले आओ एक बार ही बता दो और ये चीजें चाहिए बस तो ठीक है आटा तो फिर माँ से मिलता नहीं है तो आटा कहीं से आया चलो ठीक है वो चीजें सामान सारा लेके आते हैं। तो आप जो है ना बच्चों की टी पार्टी तो आनंद बेड पे ही खाई जा रही हो कुछ टेबल पे ये ना तंग होते हैं सारे तो बस बिस्किट और ले आओ ना वो डब्बों वाले सारे बिस्किट ले आओ बच्चों के लिए चलो भाई सारे खा रहे अहमद को पसंद है फ्राइज इनको ऐसे सिंपल वाले पसंद है सिंपल वाले हाँ आम आयत भी सिंपल वाले खाती है आयत भी नहीं दूसरे वाले खाती नूर फड़ ले। तो अब जो है ना अनम सिस्टर और बच्चे सारे खा रहे हैं आइसक्रीम हाँ जी अहमद सही आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं इंजॉय मुझे नजर ही आ रहा है इंजॉय इनका ये देखो ये सारा इंजॉय ही हो रहा है यहाँ पे अच्छा ये भी अंदर यार सारा सब कुछ अंदर ले आए हुए ये आज खुश है हाँ तो तंग करती रहती है सारा देखो ये करो बच्चों के साथ ना बच्चा खुश रहता है हाँ। ऐसी है ना बच्चों के साथ वो खुश है अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला खेल दे रहा करेंगे पहले अहमद छोटा होता था ये बहुत तंग करता था अहमद भी खेला होता था ये छोटा गोद में होता था हाँ। तो दोनों तंग करते थे अब दोनों बड़े हो गए सही तो चमचियां छोटी दे देनी थी ना इतनी बड़ी बड़ी चमचियां दे दी बच्चों को यार आयत की इतनी चमचियां है छोटी आयत क्योंकि ना ये बादाम पिस्ते वाली नहीं खाती तो उसके लिए वो छोटी फिर लेके आए आयत नहीं खाती नहीं खाती अच्छी चीज खाया कर यार अच्छी चीज क्यों नहीं खाते आप अच्छी चीज क्यों नहीं खाते आप हाँ दुल्ला सो गया हुआ दुल्ला सो गया हुआ है और कुछ खाने खा ले और कुछ कुछ भी नहीं खाना खा ले खाना खाना कुछ तो बस सुबह खाएंगे अब कल जो है ना कल सारा दिन एंजॉय करेंगे कल सारा दिन आप जो कहोगे ना वो खिलाऊंगा ठीक है सही है तो बस ठीक है अब ना कल मिलते हैं फिर कल नाश्ता क्या करना है आनम कुछ भी नहीं घर का कर लेंगे कुछ क्या करना हैवी करना हैवी भी हो जाएगा नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट डे जो है ना शुरू हो गया है और सुबह का टाइम है बाहर का व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी व्यू बहुत ही प्यारा है बहुत ज़बरदस्त व्यू है यार और सारे उठे हुए हैं और देखते हैं अनम सिस्टर ने क्या नाश्ता करना है आज। तो हाँ जी अनम क्या नाश्ता करना है
मॉर्निंग क्या नाश्ता करना है आज? नाश्ता आज मैं तो कहती हूँ आज की हैवी किस्म का नाश्ता। तो आमना भी रेडी है, हैवी नाश्ता। केले खाओ, केक रस खाओ, ये खाओ। आमना बिस्किट निकाल दो, इसको सारे हैवी नाश्ता करा दो इसको आज। और ये देखो ए किसने खाना है जो मुझे मंगवाया, ये भी ये किसने खाना है? बच्चे पहले ही खा रहे हो, जो पहले पड़ा हुआ था तो वो खा गए। तो ये किसने खाना है? सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे, इस टाइम तो वो दूसरा नाश्ता करते हैं। दूसरा नाश्ता करते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा नाश्ता और करवा देते। आमना को केक, अनम को ना केले का शेक बना के पिलाओ, कहते ना हैवी नाश्ता, सोडा भी पा दे, थोड़ा हैवी नाश्ता करवा दो इसको। आज मैंने कुछ भी नहीं इसने खिलाया, कल भी इसने मुझे कुछ नहीं खिलाया। भूखी रही है बेचारी, भूखी रही है बेचारी। मैंने कहा मुझे बाहर लेके जा, एड्डा बड़ा मुंह है भी निकल आया। मैंने कहा मुझे बच्चों को हमें बाहर लेके जा, सो गया। मैं तो बहन थी मैं कान और ब्ला ब्ला के इसने मुझे तंग किया हुआ था। आज 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 अन्ना मेरा दे ले, आमना दोनों मिक्स हो जाते हैं। दे ले एवं दी होंगी भैन, चेक कर। एडा मुंह निकले, इनी खिल रही है, फिटी है। यार चलो आना, इसको अपना केले खिलाओ, सेब निकालो फ्रिज में से, नहीं नहीं फ्रूट खाओ। हलवापूरी मंगवाया है, हलवापूरी मैं कर रही हूँ भाई। माशाल्लाह कल भी खाना शाना खाया, बड़ा कुछ आइसक्रीम भाभी ने कुछ बनाया। घर में सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज। बच्चे खुश हैं, वैसे मजाक कर रही हूँ हम लोग। शुगर लगा रहे हैं, मैं भी बसाने वाला भी खाते हैं। न्यू ब्रांड ब्लॉग कितने हुए? न्यू ब्रांड ब्लॉग कितने हुए? अच्छा हमारे घर एक और मेहमान भी आया हुआ है, आयशा को मैंने रोका था। वो भी हो रही है। देखो जी न्यू ब्रांड ब्लॉग, लाइटें जला लो, न्यू ब्रांड ब्लॉग आ गया जी। हाउ आर यू न्यू ब्रांड ब्लॉग? मैं तो कहूंगी मेरी बहन तो आयशा, ये ना आयशा को कैसा फील हो रहा है ट्रिप से आके? वो कह रहा एज वादी जाए ना तो बंदा वैसे ही छोटा हो जाता। अभी आप देखिए जरा, मैं अपना और भी ट्रीटमेंट करवाना है मैंने। की फायदा जाना तो कब्र थी। से आई है, फ्रेश हो गई है। मेरा ट्रिप बहुत जबरदस्त रहा है, जो मैं चाहती वो करके रहती हूँ। पता है पूरा प्लान किया था मैंने, तो बस आजकल आप बड़ी जंग होती जा रही है। खान पीन का अच्छा होना चाहिए, अपनी अच्छी है, फिर आप जवान रहते हैं। अच्छा चलो, शुक्र है मुझे। बहुत सिंगल है ना, सिंगल न्यू ब्रांड ना, न्यू ब्रांड न्यू ब्रांड ब्लॉग लगते हैं। मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी ना, उसमें शुरू में कह रही होती है न्यू ब्रांड ब्लॉग, मैंने उधर ही ब्लॉग बंद कर दिया। हाँ तो उधर ही मैंने ब्लॉग बंद कर दिया। मैं कहा यार बस नाश्ता जो है ना आ गया ना, कहा तो हाँ जी सही है, ये पूरी हलवा मंगवा लिया, प्लेटों में डालो और चलो नाश्ता करते हैं। बच्चे वो बैठे हैं सारे, तो ये नाश्ता ना, और कुछ चाहिए? नहीं नहीं बहुत है, आ जाओ बच्चों सारे। तो ये दे लो, अली भाई इसको खाने नहीं देते ना, तो इसलिए यहाँ पे खाने आ गई, क्योंकि मैं भी आना वो खाने नहीं देता। ये चीज नहीं, आपको कभी कभी नानचने खिला देते हैं, कहते हैं खा ले। यार पता नहीं क्या बना होना ये न्यू ब्रांड ब्लॉग, आ जाओ। तो मैं जो है ना रेडी हो गया हूँ, रेडी होकर ना आप चलते हैं, जुम्मे का टाइम होने वाला है, बस जुम्मा जाके पढ़ते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि सारे सब लोग क्या कर रहे हैं। जुम्मा पढ़ के जो है ना वो आ गए हैं, ऊपर चलते हैं और देखते हैं सारे क्या कर रहे हैं। तो अभी जो है ना मैं जुम्मा पढ़ के आया हूँ, खाना खाया ना, तो एक अर्जेंट काम आ गया तो वो करने जा रहे हैं, वो काम क्लियर करते हैं। एक थोड़े से पेपर वर्क जो है ना वो साइन करने हैं, तो वो जाके साइन करते हैं, वो प्लाजा से रिलेटेड ही काम है वो करते हैं, और फिर देखते हैं घर पर सारे क्या कर रहे हैं। वो अभी खाना खा रहे थे सारे, तो खाना खा लेंगे ना तब तक, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो ये देखें बच्चे अब मेरे साथ आ गए हैं। तो हाँ उमर क्या खाना है? आइसक्रीम। ये भी आज की तरह ये सारे कजन एक जैसे ही हैं। ये देखा आइसक्रीम खानी, सब ने आइसक्रीम खानी है। मम्मा जो है ना शॉपिंग करने गई है, तो मैंने कहा बच्चे साथ ही आइसक्रीम की दुकान है, वहां से इन्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। ठीक है चलो जी बच्चों को खिलाते हैं आइसक्रीम। और क्या खाना है मेरे काका? आपने क्या खाना है? अहमद ने, उमर ने क्या खाना है? चीजी। चीजी साहब ने चीजी भी खानी है, पहले आइसक्रीम खाते हैं ना फिर बाद में चीजी लेंगे। ठीक है चलो चलते हैं। लें जी सब अब खा रहे हैं आइसक्रीम। ठीक है और कुछ खाना है मेरे काका? बच बाच। अनम सिस्टर ने जो है ना मामी की तरफ जाना था, उन्हें वहां पे छोड़ रहे हैं, वो बच्चे सारे उधर चले गए हैं। तो अभी जो है ना मैंने एक ओपनिंग पे जाना है रेस्टोरेंट की, वहां पे इनविटेशन है, तो तैयार होते हैं और निकलते हैं। 7 बजे जाना था, 6:15 हो गए हुए हैं, तो बस तैयार होते हैं और निकलते हैं।
तो ले जी भाई जो है ना आपका रेडी हो गया है। तो अभी जो है ना मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ, एक फ्रेंड ने मेरे ना रेस्टोरेंट ओपन किया है तो उसकी ओपनिंग पे हमें बुलाया था उसने, मुझे भी आमना को भी तकरीबन सबको बुलाया था, लेकिन अनम सिस्टर आई हुई है ना तो इसलिए फिर हमने कहा चलो बाद में जाएंगे हम लोग आमना वगैरह, तो मैं जो है ना अकेला भी चला जाता हूँ। ठीक है तो आपको जाके दिखाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है यार, देखते हैं ना वहाँ पे क्या क्या खाबे शाबे हैं वो लगाते हैं। पहले रास्ते में एक अपने दोस्त को और पिक करना है फिर उनके साथ जाएंगे, तो निकलते हैं यार टाइम नहीं है, 7:30 जो है ना ओपनिंग है तो 7 बजने वाले हैं, तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं, तो निकलते हैं और जाके दोस्त को पिक करते हैं और आगे चलते हैं। चलिए हमारे साथ भाई से, अस्सलाम वालेकुम साथ भाई। तो हम लोग आ गए हैं बस फंक्शन पे, तो बस आप चलते हैं। ठीक है साथ भाई, और सुनाया आप ठीक ठाक तो भी है बात, ठीक ठाक चलें चलते हैं अंदर देखें, अभी तो कोई भी नहीं आया यार, हम जल्दी आ गए, हम पहले आ गए ना। तो ये एंटर होने लगे हैं यहाँ पे जी, वेलकम ड्रिंक जो है ना हमारे आ चुके हैं मार्गरिटा। तो हाँ जी साथ भाई, मज़ा आया पी के आपको? बहुत ज़बरदस्त था यार, बहुत ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह इस इवेंट पे हम लोग आए हैं, अभी इसकी ओपनिंग होगी और ये देखें स्टाफ भी खड़ा है, अभी आपको अंदर से भी विजिट करवाएंगे। ठीक है अंदर जाके भी साथ भाई दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या स्पैक है। तो इवेंट पे ना माशाल्लाह काफ़ी रौनक लग गई है, प्लेटें सज गई हैं और ये देखें काफ़ी लोग आ चुके हो गए। तो बस अभी ओपनिंग होगी ना तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। हाँ साथ भाई भी वेट ही कर रहे हैं ओपनिंग का, इंतज़ार कर रहे हैं। अब मुझे भी इंतज़ार से याद आ गया कि हमारे साथ वाली बिल्डिंग में इंतज़ार भाई भी करते हैं, रहते हैं उनका नाम ही इंतज़ार है। तो बस अभी थोड़ी देर में ओपनिंग हो जाएगी तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या स्पैक होता है। भाई फोटो लेने आ गया यार जी। अंदर एंटर होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंटर होते साथ ही ये देखें भाई साहब ये लगा हुआ है और यहाँ पे ये देखें फाउंटेन बना हुआ है काफ़ी, अगर डबल हाइट का ये है तो बहुत ज़बरदस्त, और सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये देखें और ये देखें और ये साथ भाई भी हमारे बैठे हुए हैं यहीं पर, और ये सामने देखें मिनी बार सा बना हुआ है और फ्रेश यहाँ पर स्मूदीज बन रही हैं, ज़बरदस्त यार ज़बरदस्त, ऐसा सेटअप हो लाजमी है यहाँ पे यार, लाजमी आके ट्राई करना है आप लोगों ने। ठीक है लाजमी, अभी जो है ना इसकी ओपनिंग होने वाली है बस, तो वो थोड़ा सा आपको सीन दिखाते हैं वो भी, और ये बाकी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ जी साथ भाई ठीक ठाक हैं आप? बाल माशाल्लाह बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। तो आप बताएं असलान भाई आपको कैसा लगा? कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया हमारा भाई ने। तो ऊपर वाला सेटअप भी दिखाते हैं यार, ये यहाँ से आप ऊपर आए और ये देखें, तो ये रहा भाई साहब ऊपर वाला सेटअप, माशाल्लाह देखो यार ज़बरदस्त, ये ऊपर वाला ये सारा ऊपर का सेटअप है, यहाँ पे फैमिलियाँ भी बैठी हुई हैं, ये देखो ज़बरदस्त। मिलवाते हैं हमजा भाई से, हमजा भाई क्या हाल चाल है? मैंने आपको बताया था कि मेरे फ्रेंड ने जो है ना एक रेस्टोरेंट खोला है, तो प्यार दिखाना है आप सबने मेरकस के नाम से, यहाँ पे आप लोगों ने आना है। तो हमजा भाई स्पेशलिटी, तो हमजा भाई क्या ऑफर कर रहे हैं यार लोगों को? बेस्ट टेक आउट इन पाकिस्तान मैं क्लेम करता हूँ, और सॉल्ट बे जो दुबई और टर्की के अंदर है, उस वो जो जिससे कुक कर रहे हैं ना, वो मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का इम्पोर्ट हूँ, जो मशीन को पाकिस्तान इम्पोर्ट करवा के उससे कुक करके दे रहा हूँ, और टोटल जो है वो इम्पोर्टेड मीट है। आई होप कि जो मैंने चीज़ दी है पाकिस्तान में नहीं है, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को बेस्ट से बेस्ट जो है ना अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो आई होप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो ज़रूर आप भी जो है ना, ऑफ चल रहा है एक महीने के लिए, आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। तो हमजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त, तो मैं बस चलता हूँ, मुझे मैंने थोड़ी कमिटमेंट थी। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जो है ना वहां से आ गया था और अब सबको मैंने पिक कर लिया, तो काका मेरा ठीक है, कौ हुआ कौ हुआ मैं काके को पापा जाना है, भाई जाना है पापा पास जाना है, तो पापा आ गए, तो ये रो रहे थे कि पापा मेरा किधर चला गया, तो पापा आ गया यार, क्यों रोता है यार, पापा इधर ही है ना। आमना भी आ चुकी है, आमना आज तैयार, खुशबू है अल्लाह, तो किधर बिजी थे आज? हम तो घर पे थे, और कहाँ थे? घर पे थे,
तो यार वो लेट हो गया थोड़ा ना, मैं तो जल्दी 7:30 का मुझे था, लेकिन अब तुम्हें पता है पाकिस्तान में लोग लेट ही आते हैं, तो अभी 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 भी उसकी शादी से होके आए हो? शादी से नहीं, तो अनम सिस्टर अब किधर जाना है? अनम सिस्टर अब हम पहले अपने घर जाना है, वहाँ से हमने अपनी चीजें बच्चों को देखना, बच्चे आवाजदार हुए पहले उनको सारा सेट करके फिर आगे सोचते हैं। चला ठीक है, तो चलें जी इसी के साथ ही इस वीडियो करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, दुआ में हमें याद रखना है ये है कि अनम सिस्टर भी चलेगी घर। तो बस आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।